उज्जैन शहर में नगर निगम के भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर राजनीतिक ड्रामा चला। निचली बस्ती में पानी की टंकी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने महापौर बंगले का घेराव कर दिया, जिसके बाद बिना बात किए महापौर मीना जोनवाल वहां से जाने लगी। कांग्रेस नेता महापौर की गाड़ी के आगे लेट गए, जिसके बाद महापौर निकल गयी। गुस्साए महापौर थाने में प्रदर्शन करने वाले नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने महापौर की नहीं सुनी और अपनी ही सरकार के खिलाफ महापौर ने थाने पर धरना दे दिया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही उज्जैन में सियासत में उबाल आ गया। दरअसल शहर में अभी से पेयजल की समस्या शुरू हो गई है, खासकर निचली बस्तियों में लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में आज उज्जैन नगर निगम के कांग्रेस पार्षद एवं नेता भाजपा महापौर मीना जोनवाल को ज्ञापन के लिए ग्रैंड होटल पर एकत्रित हुए, जिसके बाद ग्रैंड होटल से रैली के रूप में कांग्रेस नेता हाथों में मटके लेकर महापौर बंगले पर पहुंचे। बंगले पर महापौर मीना जोनवाल जनप्रतिनिधियों और निगम कमिश्नर विजय कुमार के साथ मीटिंग कर रही थी। कई बार चर्चा के लिए ज्ञापन देने के लिए बुलावा भेजने के बावजूद महापौर बाहर नहीं आई, जिसके बाद कांग्रेस नेता महापौर बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब एक घंटे इंतजार करने के बावजूद महापौर बाहर नहीं आई। गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने महापौर बंगले के बाहर ही मटके फोड़ना शुरू कर दिए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस सुरक्षा में महापौर बंगले से बाहर निकली, लेकिन महापौर ने न तो प्रदर्शनकारियों की समस्या जानी और न ही कांग्रेस नेताओं से ज्ञापन लिया। महापौर अपनी कार में बैठ गए, कांग्रेस नेता महापौर की कार के आगे लेट गए, जिसके बाद महापौर मीना जोनवाल अपने समर्थकों के साथ माधवनगर थाने पहुंची, जहां महापौर के कांग्रेस नेताओं पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया गया। लेकिन जब पुलिस ने महापौर की एक नहीं सुनी तो अपनी सरकार के खिलाफ ही महापौर ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया। करीब एक घंटे तक महापौर ने थाने का घेराव किया। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्षदों के द्वारा इस बात को अनदेखा किया जा रहा है और हमेशा निवास पर आके और इस तरह की कार्रवाई करना, नारे लगाना और इस तरह से मटके फोड़ना और पूरा माहौल बनाने का काम उन्होंने आज किया है, क्योंकि वो मेरा निवास है और निवास पे इस तरह। और अगर आपको किसी भी तरह का अगर ज्ञापन देना है, बातचीत करना है, तो एक तरीका होता है, तरीके से बात की जाती है, बात रखने का एक तरीके से आप बात करें। और ज्ञापन अगर वगैरह देना भी है आपको, तो पूर्व से आप समय लो, समय लेने के बाद में समय आपको जो समय मिलता है उस पर आए और कितने लोग आने वाले हैं ये सारा आप जिक्र करें। उसमें किसी तरह भी कांग्रेस दल के किसी भी पार्षद ने इस तरह का, ना कि वशिष्ठ जी ने और ना ही किसी भी कांग्रेसी पार्षद ने कोई भी इस तरह का संवाद किए बगैर आज जो निवास पे जो घटना उन्होंने घटित की है, जिस तरह का कार्य किया है, उसको खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर माधवनगर थाने में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में गरीब बस्तियों में पानी नहीं है, विक्रमनगर और शंकरपुर क्षेत्र में पानी की टंकी बने, प्रस्ताव बजट में जुड़ा है, उसको स्वीकृति के लिए ज्ञापन देने हम आए थे। साथ ही गंदा पानी जो मिल रहा है शिप्रा नदी में, गंदा पानी जो शहरवासियों को पिलाया जा रहा है, ना गंदा नहीं जहरीला पानी जो शहरवासियों को पिलाया जा रहा है, इसके लिए ज्ञापन कांग्रेस पार्षद दल ज्ञापन देने आया था। साथ में गरीब परिवार थे जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। आप देखो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की तानाशाही प्रवृत्ति, माननीय महापौर जी की तानाशाही प्रवृत्ति, वो मिलने को तैयार नहीं। गरीब परिवार जो मजदूरी छोड़ के आया है उनसे मिलने को तैयार नहीं। आज जब ज्ञापन लेने की स्थिति में नहीं है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की पूरी हठधर्मिता हमारे सामने आई है, अराजकता की स्थिति पूरी नगर में है, मूलभूत सुविधाएं देने में असक्षम हुआ है, इसी द्रोह स्वरूप पुतला दहन किया गया और इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा के सामने ज्ञापन को जो है वो अर्पण किया गया और प्रार्थना की गई गांधी जी के भजनों के साथ कि महापौर को सद्बुद्धि दे दे, गरीबों से मिलने बाहर आ जाए, कांग्रेस के पार्षद दलों से मिलने बाहर आ जाए, गरीबों की सुन ले, इसके लिए सद्बुद्धि भजन भी किया। अब अगर फिर भी ये पानी की समस्या हल नहीं करी तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्षद दल और आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगा, साथ में कांग्रेस पार्टी को मिलाकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में गरीब परिवारों को पीने का पानी मिले, इस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ेगा। बहुत ही दुखद बात है ये कि इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करना। एक महिला महापौर होते हुए यहाँ इतनी संख्या में महिलाएं आई थी,
छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के अपनी मजदूरी का काम छोड़ करके, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा और ये उनका अधिकार है और वो देना महापौर का कर्तव्य है, तो महापौर अपने कर्तव्य से विमुख हुई है। यही देख करके हम लोगों ने उनका कार्यालय के सामने बैठ करके उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए भजन गाए, उसके साथ साथ फिर हमने आकर के इंदिरा गांधी जी के चरणों में ज्ञापन दिया है और इंदिरा गांधी जी से भी हमने आग्रह किया है कि इन्हें सद्बुद्धि दो आप कि शहर की सुध ले, और उसके साथ साथ जो खान नदी स्टॉप डैम से लगातार गंदा पानी रिस करके और शिप्रा में मिल रहा है, उसे शिप्रा को नाला बना रहा है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को सद्बुद्धि दे, ऐसी विनती हमने रघुपति राघव राजा राम भजन गा करके की है।